हेलो फ्रेंड्स, मैं हरेंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में प्रोस की बुक से द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर जो जेम्स एलन द्वारा लिखा गया है उसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को स्टडी करेंगे। इसके दो इम्पोर्टेंट स्टेंजा को हम लोग सॉरी इसके दो इम्पोर्टेंट पैसेजेस को हम लोग आज स्टडी करेंगे कि किस प्रकार उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखा जाता है, क्योंकि कई लड़कों ने कमेंट करके ये कहा था, रिक्वेस्ट किया था कि सर जो है आप एक दो स्टेंजा इस लेसन के रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को बताइए कि कैसे करना है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर है, ये फर्स्ट स्टेंजा है, फर्स्ट पैसेज है, where there is sterling faith and uncompromising purity, कराए कि जहाँ where जहाँ पर there is sterling faith दृढ़ विश्वास है and uncompromising purity और समझौता न करने वाली शुद्धता है, अर्थात पूर्ण शुद्धता है, जहाँ पर दृढ़ विश्वास है and uncompromising purity और जहाँ पर पूर्ण शुद्धता है there is health वहीं पर स्वास्थ्य है, देर इज सक्सेस वहीं पर सफलता है, देर इज पावर और वहीं पर शक्ति है। इन सच वन करें कि इस प्रकार की स्थिति में डिजीज फेल्योर बीमारियां असफल हो जाती हैं एंड डिजेस्टर और विनाश कैन फाइंड नो लॉजमेंट और विनाश को कोई स्थान प्राप्त नहीं होता फार क्योंकि देर इज नथिंग क्योंकि वहां पर ऐसा कुछ होता ही नहीं है ऑन विच दे कैन फीट जिसे खा करके वे जीवित रह सकें। मतलब बीमारियों को पनपने के लिए कोई स्थिति या दशा नहीं होती है। जिनके पास दृढ़ विश्वास है और पूर्ण शुद्धता है वहां पर बीमारियां फेल हो जाती हैं। तो आइए फ्रेंड्स रेफरेंस तो आप लोग जानते हैं लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं कि रेफरेंस में क्या करना होता है कि रेफरेंस में उस लेसन का नाम लिखना होता है और उसके ऑथर का नाम लिखना होता है, राइटर का नाम लिखना पड़ता है। तो आए फ्रेंड्स इस तरह रेफरेंस लिखा जाता है, देखिए दीज लाइन्स हैव बीन टेकन सॉरी यहाँ पर टेकन नहीं दिया है, टी ए के ई एन रहना चाहिए, भूल गया है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन यह लाइन लिया गया है फ्रॉम द लेसन द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, कराया कि सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर नामक लेसन से रिटन बाय जेम्स एलन जो जेम्स एलन द्वारा लिखा गया है। अब इसमें फ्रेंड्स ये याद रखिएगा जब परीक्षा में लिखिएगा तो जो लेसन का नाम है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर उसका हर प्रत्येक अक्षर कैपिटल लेटर से लिखिएगा, उसको इनवर्टेड कॉमा के अंदर रखिएगा और हो सके तो जैसे और ये सब जो है ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो इसको आप ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा या उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा और राइटर के नाम का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल से लिखते हैं, जैसे देखिए इसमें जेम्स एलन दोनों फर्स्ट लेटर कैपिटल से। तो फ्रेंड्स जो है उसके बाद रेफरेंस के बाद कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं। कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि जो पैसेज हमने पढ़ा है अभी इसको स्टडी किया है इसकी हल्की से जानकारी उसमें हम देते हैं। देखिए कॉन्टेक्स्ट है कि इन दीज लाइंस इन पंक्तियों में जेम्स एलन टेल्स अस जेम्स एलन हमसे कहता है सॉरी इन दीज लाइंस इन पंक्तियों में जेम्स एलन टेल्स अस द फाउंडेशन ऑफ हेल्थ जेम्स एलन जो है हमें बताता है द फाउंडेशन ऑफ हेल्थ फाउंडेशन मीन्स होता है आधार हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य सक्सेस मीन्स सफलता एंड पावर मीन्स शक्ति करा कि इन पंक्तियों में जो जेम्स एलन जो राइटर जेम्स एलन है वो हमें स्वास्थ्य के सफलता सक्सेस मतलब सफलता और शक्ति के आधार के बारे में बताता है। उसका कहने मतलब ये है कि ये बताता है कि कौन सी चीज़ है जो स्वास्थ्य सफलता और शक्ति का फाउंडेशन है मतलब आधार है। एक्सप्लेनेशन है इसका कि अब देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या करना होता है कि जो आप पढ़ें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बात आप समझ रहे हैं उसको बस उसी को अपनी भाषा में इसको और एलेबरेट करना है और विस्तृत करके लिखना है। देखिए जेम्स एलन सेस जेम्स एलन कहता है दैट कि अ मैन एक व्यक्ति हु इज फुल ऑफ स्ट्रांग जो कि भरा हुआ है अप स्ट्रांग दृढ़ कॉन्फिडेंस दृढ़ विश्वास से एंड कंप्लीट प्योरिटी और पूर्ण शुद्धता से भरा हुआ है विल एलवेज रेमेन हेल्थ वह हमेशा ही स्वस्थ रहेगा।
करें। जेम फिर से देखिए, जेम्स एलन सेस, जेम्स एलन कहता है दैट की अ मैन, एक व्यक्ति हु इज फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, जो दृढ़ विश्वास से भरा हुआ है, और किससे भरा हुआ है, एंड कंप्लीट प्योरिटी, प्योरिटी और पूर्ण शुद्धता से भरा हुआ है, विल ऑलवेज रिमेन हेल्दी, वह हमेशा स्वस्थ रहेगा। ही विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ, वह जीवन में सफल रहेगा। सच अ मैन, इस प्रकार का व्यक्ति विल गेट रीड ऑफ वीकनेस एंड रिमेन पावरफुल। करा कि सच अ मैन, इस प्रकार का व्यक्ति जो है, करा विल गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ मीन्स होता है छुटकारा पाना, करा इस प्रकार का व्यक्ति जो है छुटकारा पा जाएगा किससे, अ वीकनेस, कमजोरी से, एंड रिमेन पावरफुल, और वह शक्तिशाली रहेगा, मतलब हमेशा ही शक्तिशाली रहेगा। रिमेन का मतलब होता है रहना। फ्रेंड्स, एक पैसेज ये हो गया और एक पैसेज को और स्टडी करते हैं हम लोग। देखिए इसमें दिया है, इफ यू आर गिवन टू एंगर, वरी, जेलसी, ग्रीड आर एनी अदर इन हार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड्स एंड एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल। कह रहा है कि इफ यू आर गिवन टू एंगर, यदि आप ग्रसित हैं किससे, एंगर, क्रोध से, वरी, चिंता से, जेलसी, ईर्ष्या से, ग्रीड, लालच से, आर एनी अदर इन हार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड, या मस्तिष्क को अशांत करने वाली दूसरी स्थितियों से, इन हार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड मतलब मन को अशांत करने वाली। करें यदि आप जो है इस क्रोध से, चिंता से, ईर्ष्या से, लालच से और मन को शांत करने वाली दूसरी स्थितियों से ग्रस्त हैं, करें और उस अवस्था में आप क्या करते हैं, एंड परफेक्ट, एंड एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, और एक्सपेक्ट, और आप आशा करते हैं परफेक्ट, पूर्ण फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य का, मतलब आप जो है इन चीज़ों से घिरे हुए हैं और ऐसी दशा में आप पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य की आशा करते हैं, तो यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, तो आप जो है असंभव की आशा कर रहे हैं। फार, क्योंकि यू आर कंटिन्यूली, क्योंकि आप निरंतर सोइंग बोर, आप निरंतर बो रहे हैं द सीड ऑफ डिजीज, बीमारियों के बीज इन योर माइंड, अपने मस्तिष्क में। सीड माने, सीड मीन्स होता है बीज, और सो मीन्स होता है बोना। इसमें राइटर ये कराया कि यदि आप जो है क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लालच और मन की दूसरी अशांत स्थितियों से ग्रसित हैं और आप पूर्ण स्वास्थ्य की आशा करते हैं, तो इसका मतलब आप असंभव की आशा करते हैं, क्योंकि आप लगातार अपने मस्तिष्क में बीमारियों के बीज को बो रहे हैं। अब देखिए, रेफरेंस तो मैंने बता दिया, रेफरेंस सेम वही रहता है, चाहे कोई भी पैसेज हो, चाहे पैसेज हो, चाहे कोई स्टेंजा हो, तो रेफरेंस सेम ही रहता है, सेम लेसन, लेसन का सेम नाम और राइटर का सेम नाम रहेगा। अब आइए देखिए, कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। देखिए, द राइटर एक्सप्रेसेस, राइटर जो है एक्सप्रेसेस, व्यक्त करता है, वैल्यूएबल, वैल्यूएबल मीन्स होता है मूल्यवान, सजेशन मीन्स सुझाव होता है, राइटर जो है मूल्यवान सुझाव व्यक्त करता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि राइटर मूल्यवान सुझाव बताता है, किस पर, ऑन हाउ टू बी हेल्दी, कि किस प्रकार स्वस्थ रहा जाए, सक्सेसफुल, सफल रहा जाए, एंड पावरफुल और शक्तिशाली रहा जाए। मतलब राइटर जो है इसमें ये मूल्यवान सुझाव देता है कि हम किस प्रकार स्वस्थ, सफल और शक्तिशाली बने रह सकते हैं। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में ही पॉइंट्स आउट, वह स्पष्ट करता है काजेस, कारणों को, किसके कारण को, आप इल हेल्थ, खराब स्वास्थ्य के, मतलब इन लाइनों में वह खराब स्वास्थ्य के कारणों को स्पष्ट करता है या बताता है। अब आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन इसका कि इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द राइटर सेज, राइटर कहता है दैट कि फॉर परफेक्ट हेल्थ ऑफ द बॉडी, करें कि शरीर के पूर्ण स्वास्थ्य के लिए माइंड मस्ट बी केप्ट इन ए पीसफुल एटमॉस्फियर, करें कि माइंड, मस्तिष्क को मस्ट बी केप्ट, रखा जाना चाहिए इन ए पीसफुल एटमॉस्फियर, एक शांतिपूर्ण वातावरण में। करें कि इन लाइनों में, इन पंक्तियों में राइटर कहता है कि एक पूर्ण स्वास्थ्य के लिए मस्तिष्क को शांतिपूर्ण वातावरण में रहना चाहिए, मतलब मस्तिष्क को शांत रहना चाहिए, मन को शांत करने वाली स्थितियों से घिरा उसको नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अलाउड टू बी डिस्टर्ब्ड, करें उसे जो है डिस्टर्ब होने की स्वीकृति प्रदान नहीं की जानी चाहिए, बाय सच हार्मफुल फीलिंग, करें कि इस प्रकार की हार्मफुल, हानिकारक भावनाओं के द्वारा, एज एंगर, जैसे कि क्रोध, वरी, चिंता, जेलसी, ईर्ष्या, एंड ग्रीड और लालच,
राइटर कह रहा है कि उसे जो है ईर्ष्या चिंता लालच और क्रोध जैसी भावनाओं से उसे परेशान नहीं होने देना चाहिए। अ पर्सन एक व्यक्ति हु इज ऑफन करें एक व्यक्ति जो प्रायः एंग्री क्रोधित रहता है, वरिड चिंतित रहता है, जेलस ईर्ष्यालु रहता है मतलब इस किसी के प्रति ईर्ष्या रखता है, और ग्रीडिया लालची रहता है, कैन नॉट बी हेल्दी तो वह जो है स्वस्थ नहीं रह सकता। इफ ही डिजायर्स यदि वह इच्छा करता है टू बी हेल्दी स्वस्थ रहने की, ही इज डिजायरिंग समथिंग तो वह कुछ ऐसी चीज की इच्छा कर रहा है दैट कैन नॉट बी ट्रू जो सही नहीं हो सकता, जो सत्य नहीं हो सकता। मतलब यदि यदि एक व्यक्ति जो है क्रोध से लालच से इन सभी भावनाओं से चिंताओं से वह घिरा हुआ है और वह जो है स्वस्थ होने की आशा रखता है तो यह असंभव है, वह स्वस्थ नहीं रह सकता जब तक वह इसको त्यागेगा नहीं। द रीज़न इज दैट इसका कारण है कि एंगर क्रोध वरी चिंता जेलसी ईर्ष्या एंड ग्रीड और लालच आर द काजेज ऑफ फिजिकल इल हेल्थ। कह रहा है कि यह जो है खराब शारीरिक स्वास्थ्य के कारण है। कह रहा है क्रोध चिंता ईर्ष्या और लालच जो है ये खराब शारीरिक स्वास्थ्य के कारण है। तो फ्रेंड्स ये दो इम्पॉर्टेंट पैसेज मैंने आपको बताया है और ये जो पैसेज दिख रहा है मेनी पीपल से लेकर ये ब्रेक डाउन ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इट्स ए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पैसेज है। इस पैसेज को मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स।